हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मेरा मोस्ट फेवरेट डिज़र्ट। इसे हम बंगाली में पूली पीठा कहते हैं और ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो मैंने अराउंड 100 ग्राम्स नारियल यूज़ किया है, सूखा नारियल लिया है मैंने, 4 से 5 बादाम, 1 चम्मच इलायची पाउडर, चीनी और चावल का आटा। सबसे पहले हम मिक्सर ग्राइंडर में जो है नारियल को ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और ऐड कर देंगे, और इसी में हम बादाम ऐड कर देंगे। तो ये हम अपनी फिलिंग के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने नारियल ऐड किया है और इसमें बादाम ऐड किया है। अब इसमें हम कुछ भी और ऐड नहीं करेंगे, पानी या कुछ भी ऐड नहीं करना है। बस आपको इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है ताकि नारियल जो है वो बिल्कुल श्रेड हो जाए। अगर आपको श्रेडेड नारियल मिले तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम एक प्लेट में ऐड करेंगे। उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी और 1 चम्मच इलायची का पाउडर यूज़ किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी इजी रेसिपी है। अब इसके बाद जो है चावल के आटे को हम गुनगुने पानी से गूँथ लेंगे और अच्छे से उसका डो प्रिपेयर कर लेंगे। गुनगुने पानी से गूँथना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ ये स्टिकी हो जाएगा और आप इसको गूँथ नहीं पाएंगे। अब इसके बाद जो है हम इसके ऐसे छोटे से पेड़े बनाएंगे और इसको जो है अपने हाथों के बीच में रोल करके एक छोटी सी कटोरी का शेप बनाएंगे। तो जैसे आप पीठा बनाते हैं वैसे ही बिल्कुल इसे बनाना है। छोटी सी कटोरी का शेप बनाएंगे, प्रेशर बिल्कुल साइड्स में देना है, सेंटर में आपको प्रेशर नहीं देना है वरना ये फट जाएगा। चावल का आटा बहुत सॉफ्ट होता है, ईजिली बाइंड हो जाता है बट ईजिली टूट भी सकता है, तो बहुत हल्के हाथों से ये काम करना है। अब इसके बाद हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। अच्छे से फिलिंग ऐड करना है ताकि इसका टेस्ट अच्छे से आए। तो काफ़ी भर भर के हम फिलिंग ऐड करेंगे इसमें, और उसके बाद जो है फिलिंग को ऐसे हाथों से प्रेस करते हुए हमें इसे बंद करना है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से करना है बिकॉज चावल का आटा बहुत सॉफ्ट होता है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे सेंटर से ऐसे प्रेस करेंगे और साइड से बंद कर देंगे। तो अच्छे से इसे दोनों साइड से ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बंद कर देना है और हमारा पीठा बनके रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है और बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाता है। और ट्रस्ट मी, ये मेरा मोस्ट फेवरेट डिज़र्ट है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अब एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसे हाथों के बीच में रोल करेंगे और कटोरी का शेप बनाएंगे। प्रेशर बिल्कुल साइड्स में लगाना है, बिल्कुल याद रखें कि सेंटर में प्रेशर नहीं लगाना है। आटा हमारा बहुत सॉफ्ट है और वो टूट सकता है। और उसके बाद जो है फिलिंग भर के इसे बाइंड कर देंगे। और आप देख सकते हैं पीठा हमारा बनके रेडी हो गया है। ऐसे ही बाकी भी प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इसके बाद का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे अपने पीठे प्रिपेयर कर लिए हैं। इसके बाद जो है हम दूध को गर्म करने के लिए रख देंगे, और जैसे ही वो थोड़ा वार्म होगा उसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़ी चम्मच चीनी ऐड की है। दूध को हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें कि जब दूध अच्छे से बॉईल होने लगे तो जहाँ भी आप ये छोटे छोटे से बॉइलिंग पॉइंट्स देख रहे हैं यहीं पे हमें पीठे को ऐड करना है। तो जहाँ भी ऐसे दूध में उबाल आ रहा है, जहाँ से वो उबल रहा है या छोटे छोटे माउंटेन्स बन रहे हैं यहीं पर आपको पीठा ऐड करना है। इससे पीठा फटेगा नहीं और बहुत ईजिली डंक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पीठे जो है बिल्कुल फटे नहीं हैं और बहुत आराम से जो है बॉईल हो रहे हैं। तो ऐसे ही इसको बॉईल करते रहना है जब तक दूध जो है अपनी क्वांटिटी से आधा हो जाए और बिल्कुल थिक हो जाए तब तक। तो बिल्कुल याद से जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वहीं पे ऐड करें। और इसके बाद जो है 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे बॉईल किया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी हो गई है। तो कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको दूध को बॉईल करना होगा, और जो नारियल है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो बहुत ही यमी सा टेस्ट आता है और डिज़र्ट हमारा बनके हो गया है रेडी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, और प्लीज़ प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी बनी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।